अरे तुम जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हो? एक तरफ तू साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का सपना देख रहा है, एक तरफ वो स्टील प्लांट का काम चल रहा है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इन सब के बीच तुम्हें होटल भी खोलना है? जमशेद, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें आराम करना चाहिए। जब जमशेद जी ने पहली बार अपनी बहनों को होटल ताजमहल पैलेस के बारे में बताया था, तब उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, और ये जायज थी, क्योंकि जिस तेजी से जमशेद जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उन्हें अब आराम करना चाहिए, ऐसा हर कोई सोचता। मगर जमशेद जी ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि मैं जब तक हूं, मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। ये वाकया हमें बताता है कि होटल ताज के पहले से जमशेद जी एक साथ तीन अलग अलग चीजों पर काम कर रहे थे। उनके तीन सपने थे। वो एक वर्ल्ड क्लास साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। वो भारत का अपना खुद का स्टील प्लांट शुरू करना चाहते थे, और अंधेरे में जीने वाले भारत को अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के जरिए रोशन करना चाहते थे। वक्त के साथ जमशेद जी ने तीनों सपनों पर एक साथ काम शुरू कर दिया था, पर आप ठीक से समझ सकें इसलिए हम उनका एक एक करके हर सपना और उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले बात करते हैं साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। सन 1893 में एक बार जमशेद जी शिकागो की एक औद्योगिक प्रदर्शनी देखने के लिए रवाना हुए। उसी दौरान रास्ते में जापान में स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी एक ही होटल में ठहरे। उस समय स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध नहीं हुए थे। एक हफ्ता एक ही होटल में रहने के बाद दोनों एम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम की एक बोट से योकोहामा बंदरगाह से शिकागो की ओर निकले। जिस धर्म संसद में विवेकानंद जी शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो भी शिकागो की औद्योगिक प्रदर्शनी का हिस्सा थी। उस बोट पर दोनों का परिचय हुआ और दोनों के बीच खूब चर्चा हुई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जमशेद जी, हमें माचिस का उत्पादन देश में ही करना चाहिए। इससे भारत औरों पर निर्भर नहीं रहेगा और गांव के आम लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। जी विवेकानंद जी, योजना तो अच्छी है। सुना है आप स्टील प्लांट शुरू करना चाहते हैं। जी, मेरा उद्देश्य वही है कि स्टील के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने और हजारों लोगों को रोजगार मिले। वाह, मुझे लगता है भारत में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि भारत अपनी नई नई शोध और तकनीक खुद बना सके। इससे हम क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। यानी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट विदेशों में यही होते हैं? कुछ वैसा ही। आप हर बार कुछ नई तकनीक लाने विदेश जाते हैं, पर क्या होगा जब देश के होशियार युवा देश में ही ऐसी आधुनिक तकनीकें बनाएंगे? तो देश का विकास तेजी से होगा और हर क्षेत्र में होगा। अद्भुत कल्पना है। अगर आपका सहयोग हो तो मैं खुद इस पर काम करूंगा। संपूर्ण देश के लिए इससे कल्याणकारी कोई योजना नहीं हो सकती। इस देश कार्य में हमेशा आपको मेरा सहयोग रहेगा। हालांकि स्वामी विवेकानंद उम्र में जमशेद जी से कम थे, पर उनकी दूर दृष्टि से जमशेद जी बहुत प्रभावित हुए। वो अच्छी कल्पनाओं का सदैव स्वागत करते थे। तो बस उस दिन से साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उनका सपना बन गया। जमशेद जी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा न केवल केमिकल्स, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी और मेडिकल क्षेत्र में संशोधन करना चाहते थे, बल्कि संशोधन के साथ साथ अपने भारतवासियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण भी देना चाहते थे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हो। अपने इस सपने के लिए वो सभी तरह की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार थे, मगर इस प्रोजेक्ट को वो अपने या अपने परिवार वालों के नाम नहीं, बल्कि देश के नाम करना चाहते थे। जमशेद जी ने बरजोर जी पातशाह को अपनी योजना बताई, जिससे पातशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में ज्वाइन करने का मौका छोड़कर जमशेद जी के मिशन को ज्वाइन कर लिया। उस समय मौजूदा भारतीय विद्यापीठ कुछ खास नहीं पढ़ाते थे,
सिलेबस को लेकर कोई बदलाव या रिसर्च नहीं होता था, किसी को संशोधन की जानकारी नहीं थी, बस जो पढ़ाई सालों से चल रही थी उसी के एग्जाम होते थे। तो इस स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले जमशेद जी ने पादशाह को यूरोप और अमेरिका के कुछ बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर वहां के कामकाज को देखने और भारत में वैसे ही इंस्टीट्यूट्स कैसे बन सकते हैं इसका स्वरूप निश्चित करने के लिए भेजा। बादशाह लगभग 1.5 साल तक विदेश भ्रमण करते रहे और आखिरकार एक परिपूर्ण रिपोर्ट लेकर भारत लौटे, जिसकी आगे चलकर भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा करने में बड़ी मदद मिली। रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्वरूप सुनिश्चित होने के बाद 27 नवंबर 1896 को जमशेद जी ने लॉर्ड रे को एक खत लिखा। डियर लॉर्ड रे, ईश्वर की कृपा से मेरे व्यवसाय में वृद्धि है। मेरी इस प्रगति में भारतवासियों का बड़ा योगदान रहा है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। देश हित के लिए भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता मैं खुद करूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे यहाँ किसी पद की अपेक्षा भी नहीं है और ना ही ये मेरे या मेरे परिवार के नाम पर हो। राष्ट्र के इस प्रतीक को तो भारत देश के नाम होना चाहिए और जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरी जायदाद का 1/3 हिस्सा, जिसकी कीमत उस वक्त जो भी हो, वो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। इंस्टीट्यूट के काम के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया। जमशेद जी ने सोचा था कि ऐसा इंस्टीट्यूट मुंबई में ही होना चाहिए। अपने खत में उन्होंने सारी योजना विस्तार से लिखी थी। उनके खत से साफ नजर आता है कि उन्हें पैसे और नाम से ज्यादा प्रिय था अपना देश हित। इस योजना से वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन तक प्रभावित हुए, पर उन्होंने कई परेशानियों को भी जन्म दिया। उन्होंने लिखा, जमशेद जी, आपका ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रयोजन एक उत्तम योजन है, पर इस बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। आप अच्छे शिक्षक तो चुन सकते हैं, पर क्या हमें यहाँ पढ़ने वाले छात्र मिलेंगे? और अगर छात्र मिल भी गए तो क्या उन्हें आगे चलकर योग्य रोजगार उपलब्ध होंगे? और इस योजना से सरकार के नाराज होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी। इंस्टीट्यूट के शुरू होने से पहले ही उसे लाल झंडा दिखाया जा रहा था, पर जमशेद जी भला कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपने संगठन की मदद से दोबारा अपनी योजना उन्हें भेजी और उनकी हर शंका का निवारण करने की कोशिश की, पर परेशानियां थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब लोगों का सहयोग जरूरी था और इसलिए जमशेद जी ने स्वामी विवेकानंद जी को खत लिखा। स्वामी विवेकानंद जी, आशा है हमारी आखिरी मुलाकात आपको याद होगी। आपके विचार मुझे आज भी याद हैं। एक संशोधन संस्था शुरू करने के लिए मेरे प्रयास जारी हैं। इस बारे में आपको पता चला ही होगा। जो लोग नए नए संशोधन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ऐसे देशवासियों को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस उन्हें संशोधन करना है। इस मिशन में अगर आप मेरा साथ दें तो हम जरूर कामयाब होंगे। आप स्वयं एक परिपत्रक छापकर युवाओं को हमारी संस्था से जुड़ने का निवेदन करेंगे तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन में जुड़ेंगे। इस काम में आने वाले सभी खर्चे की व्यवस्था मैं करूंगा। तब तक स्वामी विवेकानंद जी एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन में व्यस्त होने की वजह से वो परिपत्रक तो नहीं बना पाए, पर उन्होंने अपनी शिष्या सिस्टर निवेदिता को जमशेद जी की मदद करने के लिए भेज दिया और रामकृष्ण मिशन की अंग्रेजी पत्रिका के माध्यम से युवाओं को रिसर्च संस्था से जुड़ने का निवेदन भी किया। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन एक बार जमशेद जी के प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे, इसलिए 1901 में सिस्टर निवेदिता को लंदन भेजा गया ताकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ब्रिटिश सरकार की सहायता जुटा पाएं।
वहां उन्हें मशहूर समाज शास्त्री और बायोलॉजिस्ट पैट्रिक गिडीज मिले, जो स्वामी विवेकानंद जी के बड़े समर्थक थे। विवेकानंद जी ने पैट्रिक की बहुत मदद की थी, तो पैट्रिक ने सिस्टर निवेदिता के लिए ब्रिटिश सरकार से इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए दरख्वास्त की। जमशेद जी ने सारी तैयारियां कर ली थी, मुंबई में नहीं पर बेंगलोर में एक अच्छी जगह भी मिल गई थी, बस हरी झंडी मिलने की देर थी। पर आपको तो पता है कि सरकारी काम इतनी जल्दी इतनी आसानी से पूरे तो नहीं होते। सन 1902 में स्वामी विवेकानंद और सन 1904 में जमशेद जी की मृत्यु हो गई, पर उनके द्वारा खड़ा किया गया संगठन और सिस्टर निवेदिता ने अपना काम जारी रखा और आखिरकार वर्ष 1907 में सरकार ने उनके प्रस्ताव को मान्यता दी। सरकार इस इंस्टीट्यूट को मुंबई में शुरू करना चाहती थी, पर तब तक जमशेद जी ने 1898 में ही मैसूर में इस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन प्राप्त कर ली थी और आखिरकार 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना हुई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के लगभग 400 एकड़ भूमि में व्याप्त है, जिसे मार्च 1907 में मैसूर के महाराजा द्वारा उदारतापूर्वक दान में दिया गया था। मैसूर के राजवंश द्वारा दिया गया ये योगदान जमशेद जी के कारण ही संभव हो पाया था। इसके बाद भारत ने सभी क्षेत्रों में जो भी प्रगति की, जो भी महान शोध देखे, वो इसी संस्थान की बदौलत हुए। जमशेद जी ये कभी नहीं चाहते थे कि इस संस्थान के साथ उनका नाम जुड़ा रहे। उनका सपना तो एक ऐसे संस्थान का निर्माण करना था जो भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। आज भारतीय विज्ञान संस्थान हर प्रकार से उनकी अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। जमशेद जी अपने सपने को पूरा होते हुए तो नहीं देख पाए, पर उनका सपना आज भारत के अनगिनत सपने पूरे कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है जो इस भूमि को ऐसा महान शख्स मिला। लेकिन रुकिए, सपने तो अभी बाकी हैं और कहानी भी जारी है। जमशेद जी का अगला सपना था स्टील प्लांट लगाना, तो कैसे पूरा हुआ ये सपना जानने के लिए सुनते रहिए आयरन विल द जमशेद जी टाटा स्टोरी।